इस लाल बटन को दबाकर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना मत भूलिए। वी आर इन सरखेज रोजा, आई एम इन अहमदाबाद गुजरात एंड माई फ्रेंड इज सेइंग दैट दिस इज अ प्लेस हु बिल्ट दिस सिटी गिव्स नेम दिस सिटी अहमदाबाद। आई विल शो यू फ्रॉम दिस साइड आल्सो। अगर आप गुजरात में जो सबसे खूबसूरत घूमने वाली जगहों में से किसी एक ख़ास इमारत की तलाश में हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप सरखेज रोज़ा ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये खूबसूरत के साथ साथ पौराणिक महत्व को भी अपने आप में समेटे हुए है। सुल्तान अहमद शाह, जिनके नाम के ऊपर अहमदाबाद शहर का नाम पड़ा है, उनका शासनकाल जो था वो 1440 से लेकर 1443 तक था, और उन्हीं के दौरान ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था अहमदाबाद के पास में। उस गांव के एक मुस्लिम पीर जिनका नाम था शेख अहमद गट्टू गंज बख्श, जिनकी उम्र थी 111 साल के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनका देहांत हुआ, तो उन्हीं की याद में सुल्तान ने यह खूबसूरत मकबरा बनवाया। यहाँ एंट्री के लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो जूते चप्पल उतारेंगे उसके लिए शायद वो कुछ पैसे मांगेंगे। उसके बाद जब आपको इसके बारे में और जानना होगा तो आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ आसपास घूमेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इस मकबरे के आसपास एक महल और झील का निर्माण कराया जो कि आजकल सूखी हुई है। इस इमारत की खूबसूरती का आलम यह है कि यहाँ स्वयं नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन जी, जावेद अख्तर जी और न जाने कितने ढेर सारे मशहूर शख्सियत यहाँ पर आकर इस जगह को घूम चुकी हैं। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? ये देखिए, थोड़ा झील का बड़ा गंदगी है यहाँ पे, लेकिन अगर इस झील का रखरखाव ध्यान से किया जाए, यहाँ पे अगर पानी हो, तो ये वाकई सबसे खूबसूरत जगहों में से एक होगी गुजरात की। और जैसा कि आपने अभी तस्वीरों में देखा है कि यहाँ स्वयं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी आ चुके हैं, तो हमें उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो हमें किसी का इंतज़ार करे बगैर खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम आसपास की जगहों को खूबसूरत और साफ बना के रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी एक संकल्प के साथ हम इस पूरी वीडियो को देखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। I don't want to make noise so much because there's so much peace over here.